ये देख सकते हैं ये उसी दौर का इसके ऊपर जो पेंटिंग हुई हुई है। चले जी बाइक आ गई और हम निकल रहे हैं सफर। भाई तो बिल्कुल ही हीरो लग रहे हैं, चमक चमक के हैं। अच्छा आप किधर किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? आप किधर जा? आपने बताया था मंदिर जो है यहाँ पे, मंदिर वो है, जाते हैं अगर जाने देते हैं आगे तो। चले चले जी चलते हैं मंदिर की तरफ। और ये सारा गाँव है कड़ियाला गाँव। छोटी छोटी खूबसूरत गलियाँ हैं कड़ियाला गांव की। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है वो उसी तरह सा जो मैंने आपको दिखाया सिस्टम सारा, लाला मूसा लाहौर या खारियाँ या चिन्योर जंग, उस तरह की ही जो है ये गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ हैं। और सीवेज सिस्टम भी उसी तरह का यहाँ पे डेवलप है और बड़ी खूबसूरत जगह है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये जो छोटा सा गाँव है ये पहाड़ों के बीच में मौजूद है। अगर आपको नज़र आ रहे हो सामने वो पहाड़, आप देख सकते हैं ये ढलान से हम उतर रहे हैं इस टाइम और वो सामने जो है वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं मंदिरों की तरफ। यहाँ पे कोई पुराने मंदिर हैं क्योंकि यहाँ पे पुराने वक्तों में जो है यहाँ पे सिख और हिंदू बड़ी तादाद में रहा करते थे, जो कि बाद में 47 के बाद माइग्रेट करके चले गए यहाँ से। तो लेकिन उनकी बाकियात अभी भी हैं। तो हम देखते हैं अगर हमें अंदर मंदिर में जाने दिया गया तो ज़रूर अंदर से भी मंदिर दिखाएंगे आपको। जब तक करियाला गांव में मैं नहीं पहुंचा था तो मुझे नहीं मालूम था कि ये गांव की क्या अहमियत है, लेकिन जब उस गांव में गया तो मुझे वहां बड़ी तारीखी चीज़ें मिली। और जो मेरे साथ थे उन्होंने मुझे बताया कि यहां पे मंदिर है, मंदिर भी थे लेकिन जिस जगह मैं गया वो मंदिर नहीं बल्कि बाबा पराग की करियाला की थल्ली थी। आइए आपको मैं इस बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। दुनिया की तारीख में ऐसे भी शहीद हैं जिन्होंने अपने मजहब की बुनियाद को अपने खून से मजबूत किया। ऐसे ही तारीख रकम करने वाले सपूतों को जन्म दिया करियाला गांव ने। भाई सतीदास, भाई मतीदास, इन्हें अपने गुरु से इतना प्यार था कि जब भाई मतीदास को शहीद करने लगे तो जल्लाद ने उनसे पूछा, मतीदास बताओ अपनी आखिरी ख्वाहिश क्या है, हम तेरे जिस्म को आरे से चीरने जा रहे हैं। भाई मतीदास ने कहा, हाँ मेरी एक ख्वाहिश जरूर है लेकिन कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं है, ना ही मुझे कोई दुनियावी चीज चाहिए, ना ही मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश जरूर है कि जब मुझ पर आरा चलाया जाए तो मेरा मुंह मेरे गुरु की तरफ हो। ऐसा ही मिसाली माजी इन्होंने बना दिया। मैं आज पहुँचा हूँ भाई सतीदास और भाई मतीदास की जाय पैदाइश पर। उनकी पैदाइश चकवाल से चंद किलोमीटर दूर गाँव करियाला में भाई परागा के खानदान में हुई। परागा जी बहुत दिलेर और पहलवान थे, पूरे इलाके में इन जैसा कोई बहादुर नहीं था। गुरु हरगोबिंद सिंह ने जब फौज बनाने का ऐलान किया तो भाई परागा ने अपनी खिदमात पेश की। गुरु साहब ने उन्हें एक दस्ते का जत्थेदार बनाया जिस वजह से भाई परागा का पूरा खानदान गुरु के साथ जुड़ गया। भाई सतीदास और भाई मतीदास गुरुजी की इस आजादी की तहरीक में शामिल हो गए लेकिन 11 नवंबर 1675 इस दौर की हुकूमत ने उन्हें शहीद कर दिया। और ये देख सकते हैं ये उसी दौर का इसके ऊपर जो पेंटिंग हुई हुई है, ये पेंट हुआ हुआ है। और ये दरवाज़ा जो है इसका अब मेरे ख्याल से पुराना दरवाज़ा निकाल दिया है और इसके बाद जो नया दरवाज़ा इसके अंदर लगा दिया गया, लेकिन अभी लॉक है और पता ही चला है कि ये ऑपरेशनल नहीं है। तो लेकिन अभी भी इसके अंदर इसके जो खदोखाल हैं वो अभी भी बाकी हैं, वो नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर इसको रेनोवेट किया जाए तो ये अभी भी अपनी असल हालत में नज़र आ सकता है। और आगे चल के देखते हैं और क्या कुछ है इधर। और इसके सामने का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये सामने बहुत खूबसूरत पहाड़ है। क्या अच्छा ये
ये ओहो, और एक ये इमारत, ये पुरानी इमारत आप देख रहे हैं, ये भी हिंदुओं के दौर की बनी हुई इमारत है। सामने ये नज़र आ रही है ये इमारत, ये भी हिंदुओं के दौर की इमारत है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है वो हिंदू और सिख यहाँ पे रहा करते थे। और ये इमारत देख रहे हैं, ये भी किसी हिंदू फैमिली के ही, और ये पत्थर की बनी हुई इमारत है, इसमें पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, देख सकते हैं ये इमारत। और ये सामने जो है बड़े खूबसूरत पहाड़ है। चलें जी आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं, पहाड़ की तरफ चलें। चलें, अब आपने लेके जाना है जहाँ भी जाना है। वो जो गांव था कौन सा था, वो डॉग बमीर खाते, हाँ हाँ वो रास्ते में, रास्ते में आया ना। वो आपको किसने बताया गांव? यार वो तारीख की किताबों में लिखा हुआ। और ये छोटा सा पोस्ट ऑफिस आपको देख रहे हैं नज़र आ रहा है गाँव के अंदर। और जब आप इस कड़ियाला गांव में आएंगे तो आपको बहुत ही उसका एहसास होगा कि आप किसी तारीखी जगह पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे पुराने दौर की जो इमारतें बनी हुई है। देखें एक और इमारत नज़र आ रही मुझे, ये देखें ये एक इमारत ये नज़र आ रही पुरानी बनी हुई है। ये देखें ये सारी पुरानी इमारतें हैं, वही डिज़ाइन है। ये देखें ये उस दौर में इस्तेमाल होती थी इस तरह की लकड़ी और इस तरह का स्ट्रक्चर। और मुझे इधर आके महसूस हो रहा है कि जैसे मैं तुलंबा शहर में आ गया हूँ। तुलंबा भी इसी तरह का शहर है, तारीखी शहर है, पुरानी इमारतों से भरपूर, तारीख से भरपूर। इस शहर में भी बहुत ज़्यादा जो ना बाकियात हैं वो पुरानी इमारतों की, और इनका रहन सहन जो था जिस तरह यहाँ रहा करते थे लोग, इमारतें अभी भी वो बोल रही हैं, बता रही हैं हमें कि लोग किस तरह रहा करते थे इधर। और बड़ा खूबसूरत जगह है, एक छोटा सा पाउंड नज़र आ रहा है जहाँ पे थोड़ी देर पहले भैंसे नहा रहे थे, ये पाउंड है। बहुत खूबसूरत गांव है, ये गांव कितना पुराना है? काफ़ी पुराना है। अच्छा, और ये करियाला के साथ ही वाकई एक भल्ला गांव है जहाँ पे एक और मंदिर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर अभी कुछ नहीं है और इसकी चाबी भी जो है मैंने मालूम किया है तो उनके पास नहीं है। ये देख सकते हैं ये पुरानी इमारत है मंदिर की, ये भल्ला जगह है। और ये खुला है, खुल गया। आइए आपको अंदर से दिखाता हूँ मंदिर के अंदर क्या है। अच्छा, सामान वगैरह है ये जी। अंदर से मंदिर की सूरत हाल है आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मंदिर ही था, पक्की बात है जी? अच्छा, अब ये मंदिर जो है वो इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन ये है कि इसको अभी भी असल हालत में ही रखा गया है मंदिर को। ये देख रहे पुरानी ही तर्ज का बना हुआ है सारा कुछ, और ये यहाँ पे चरागाह हुआ करता होगा या सामान रखने के लिए कोई जगह होगी, देख सकते हैं सारा। और ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा भल्ला गांव है करियाला के साथ ही बिल्कुल, और ज़िला चकवाल से बाहर थोड़ा सा आके तकरीबन 12-15 किलोमीटर बाहर आने के बाद ये। तो ये था वो मंदिर, एक और मंदिर जो मैंने आपको दिखाया, ये भी कोई जगह है, ये पता नहीं क्या है। तो जो जो मुझे तारीखी चीज़ें मिलती जाएंगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा।
और ये गेट जो है अभी भी उसी दौर का जो है, पुराने दौर का ये तकरीबन अभी तक लगा हुआ है और अभी तक अपनी जगह से उखड़ा नहीं है गेट। तो देख सकते हैं डिज़ाइनिंग इसकी सारी वही है और ये मंदिर भी उसी तर्ज का बना हुआ है जो उस दौर में बिल्डिंग हुआ करती थी। ये सारी इमारत है। और जी ये भी भल्ला गांव के अंदर ही मौजूद, जो अभी इससे पहले मंदिर दिखाया था उसके बिल्कुल बराबर ही गली में ही ये मंदिर मौजूद है। ये भी काफ़ी कदीम पुराना है लेकिन क्योंकि यहाँ पे फैमिली रहती है तो अब अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली तो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। चले आगे चलते हैं यार। इसका मतलब ये इलाके सारे हिंदुओं के, यहाँ पे बहुत सारे हिंदू ही रहते थे। हिंदू ही रहते थे सारे ना, पूरे गाँव ही भल्ला हरियाला हिंदू। ज़िला चकवाल के अंदर ही आता है और बड़ी खूबसूरत इमारतें अभी भी मौजूद हैं पुराने वक्तों की। जो हिंदू जो भाई थे हमारे यहाँ से छोड़ के गए हैं वो इमारतें अभी भी यहाँ पे अपनी असल हालत में मौजूद हैं। और ये एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे गांव में हर बंदा एक दूसरे को जानता है, तो जैसे ही हम कहीं से गुजरते हैं कोई आ रहा जा रहा होता है तो हाथ ला देता है। क्योंकि जो मेरे साथ अपाक भाई बैठे हैं ये यहाँ के नेटिव हैं, रिहाइशी हैं इधर के, तो हर कोई एक दूसरे को जानता है इधर। और पंजाबी बोली यहाँ ज़्यादा चलती है और उसके साथ साथ लोग पोठोहारी भी बोलते हैं।